नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का और एक न्यू स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक एग्रोकेमिकल सेक्टर का स्टॉक लेकर आया हूं। तो आइए जानते हैं उस कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में जानने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करने को ना भूले। कंपनी का नाम है केलफेस्ट इंडिया लिमिटेड, ये एक एग्रोकेमिकल सेक्टर का स्टॉक है। अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स और बायो प्रोडक्ट्स बनाता है। अगर हम कंपनी के कुछ गवर्नमेंट एजेंसियों को सप्लाईज देखें तो कंपनी अपना प्रोडक्ट FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रेलवे जैसे कंपनियों को भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और कंपनी का अगर हम लोग एक्सपोर्ट देखें तो कंपनी बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। कंपनी का अगर हम लोग रेवेन्यू बैकअप देखें तो कंपनी का करीब 50% रेवेन्यू और 90% प्रॉफिट कंपनी के एक सब्सिडियरी कंपनी से आता है, जिस कंपनी का नाम है 3B ब्लैक बायोटेक इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी हमारे जो COVID-19 वायरस के लिए टेस्टिंग किट बनाया था वो रियल टाइम PCR डिटेक्शन किट फॉर COVID-19 वायरस के लिए बनाया था, जो कि अप्रैल 2020 को बनाया था। इस प्रोडक्ट को ICMR ने भी अप्रूव कर चुका है। ये इंडिया की पहली प्रोडक्ट थी और ये इंडिया की पहली कंपनी भी थी जिस प्रोडक्ट को USFDA ने भी अप्रूव कर चुका है। और कंपनी का अगर नेक्स्ट 50% का रेवेन्यू देखे तो कंपनी का नेक्स्ट 50% रेवेन्यू केलफेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन से आता है और कंपनी का कुछ रेवेन्यू बायोलॉजिकल केमिकल से भी जनरेट होता है। इंडिया का मार्केट कैप करीब 350 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का करंट प्राइस करीब 466 रुपीज का है और कंपनी का 52 का हाई अगर देखें तो 52 का हाई करीब 768 रुपीज का है और 52 का लो करीब 269 रुपीज का है। अगर हम स्टॉक का पी देखें तो स्टॉक का पी करीब 3.93 है और इंडस्ट्री का पी करीब 27.3 है। ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी के बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। ओसी देखें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो करीब 179% का ROCE है और ROE करीब 139% का ROE है। और कंपनी का अगर हम डेट देखें तो कंपनी के ऊपर करीब 2.01 करोड़ का डेट है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास करीब 125 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और हम कंपनी का लास्ट वन ईयर का रिटर्न देखें तो लास्ट वन ईयर में कंपनी ने करीब 17.1% का रिटर्न दिया है और लास्ट सिक्स मंथ में कंपनी ने करीब 21.8% का रिटर्न दिया है। और कंपनी का अगर हम डिविडेंड देखें तो कंपनी 0.21% का डिविडेंड भी देता है। कंपनी का सेल्स मार्च 2020 में करीब 29 करोड़ का था और मार्च 2021 में करीब 227 करोड़ का हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा उछाल कंपनी का सेल्स में आया है। और कंपनी का अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में करीब 9 करोड़ का था, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 में करीब 150 करोड़ का हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा उछाल नेट प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स में आया हुआ है। और कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 66% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखे तो नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में करीब 8 करोड़ का था और मार्च 2021 में करीब 114 करोड़ का हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा उछाल नेट प्रॉफिट में भी आया हुआ है। में मेरे को सबसे ज्यादा नेगेटिव ये लगता है कि कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, प्रमोटर अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। तो अगर हम प्रमोटर का होल्डिंग देखें तो प्रमोटर का होल्डिंग करीब 38.35% का है और FIA के पास करीब 0.54% का है, यानी कि FIA भी अपना होल्डिंग थोड़ा कम कर रहे हैं। और DIA का होल्डिंग करीब 0.08% का है, DIA भी अपना पोजीशन कम कर रहे हैं। और पब्लिक के पास करीब 61.03% का स्टेक है। अगर हम लोग कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो कंपनी अभी अपना इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और कंपनी रिटर्न वर्सेस FD यानी कि कंपनी FD से ज्यादा रिटर्न देता है। और कंपनी का अभी एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है और कंपनी अभी भी ASM और GSM लिस्ट में भी नहीं है। अगर अंडे में करीब 0.37% का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग वन वीक का रिटर्न देखें, वन वीक में कंपनी ने नेगेटिव 7.07% का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग वन मंथ का रिटर्न देखें तो वन मंथ में भी कंपनी ने नेगेटिव 5.95% का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग वन ईयर का रिटर्न देखें तो वन ईयर में कंपनी ने करीब 17.11% का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग कंपनी का फाइव ईयर रिटर्न देखें तो फाइव ईयर में कंपनी ने करीब 2488% का रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी ने अपना इन्वेस्टर का पैसा 5 साल में करीब 24 गुना कर चुका है। अगर हम कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखें तो कंपनी ने मैक्सिमम करीब 444 रुपीज का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। चार्ट पे आ चुके हैं। अगर हम लोग चार्ट पे मेरा टारगेट देखें तो कंपनी का
52 का हाई करीब 768 रुपीस का है और 52 का लो करीब 269 रुपीस का है। अगर हम कंपनी का यहां से मैं आप लोग के लिए पहले स्टॉप लॉस देते देना चाहता हूं, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इस कंपनी में बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो आइए जानते हैं पहले कंपनी का स्टॉप लॉस क्या है। अगर हम कंपनी को इस लेवल से बाय करते हैं, कंपनी अभी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच ट्रेड कर रहा है। अभी कंपनी का प्राइस करीब 469 रुपीस का है। अगर हम लोग यहां से इस कंपनी को बाय करते हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस करीब 380 रुपीस का रहेगा। अगर हम लोग का टारगेट देखें तो हम लोग का टारगेट करीब, पहला टारगेट मेरा करीब आप लोग का 800 रुपया का रहेगा और आप लोग के लिए सेकेंड टारगेट करीब 1000 रुपीस का इस कंपनी में रहेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक रिकमेंडेशन पाने के लिए जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करने को ना भूलें।